नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष आज उत्तराखंड के दौरे पर। बीएल संतोष 24 अप्रैल तक देहरादून में ही रहेंगे। इस दौरान वे सरकार के मंत्रियों के अलावा कोर ग्रुप संगठन के पदाधिकारियों और चुनाव प्रबंध समिति के साथ बैठक करेंगे। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन माननीय बीएल संतोष जी उत्तराखंड के दो दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं, जिसमें उनकी अलग अलग प्रकार की संगठनात्मक और सरकार के कार्यों की समीक्षा की बैठकें आयोजित की गई हैं। सबसे पहले आज वो रात्रि 8 बजे करीब माननीय मंत्रीगणों के साथ बैठक करने वाले हैं और कल हमारे जो विधानसभा चुनाव लड़े हैं प्रत्याशी और विधायक, उनके साथ उनकी बैठक होने वाली है। उसके बाद प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और चुनाव प्रबंधन की बैठक भी वो लेने वाले हैं। देहरादून में संगठन को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कल पार्टी के जिला अध्यक्षों और अनुषांगिक संगठनों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा अपनी नई टीम को लेकर भी पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। बस्ती में डीएम सौम्य अग्रवाल ने आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर जिले के 150 पोखरों और तालाबों की खुदाई और सुंदरीकरण का काम शुरू कर दिया है, जहां डीएम सौम्य अग्रवाल खुद नरियाव गांव में जोगिया पोखरी की खुदाई और सुंदरीकरण का भूमि पूजन कर शिलान्यास करने पहुंचे। साथ ही डीएम अग्रवाल ने कहा कि इस योजना से जल संरक्षण का लक्ष्य पूरा होगा और मनरेगा मजदूरों को भी काम का वेतन भी मिलेगा। गदरपुर के समीप बलखेड़ा गांव में तहसील प्रशासन ने दो तालाबों का अतिक्रमण मुक्त करवाया है, तो वहीं एक व्यक्ति के कोर्ट में विवाद के चलते 2 दिन का समय दिया गया। इस मौके पर तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिश ने बताया कि गदरपुर तहसील के तो लखनऊ के नगर निगम में 6 कार्यकारिणी सदस्य चुने गए हैं, जहां कार्यकारिणी में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई। बता दें कि 6 में से 3 महिला पार्षद कार्यकारिणी सदस्य बनी हैं। मिथुलेश चौहान, शशि गुप्ता, रेखा सिंह कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए। दरअसल 6 कार्यकारिणी सदस्यों में 4 बीजेपी और 2 सपा से चुने गए हैं। महापौर संयुक्ता भाटिया ने चुने गए सभी सदस्यों को बधाई भी दी है। बस्ती में डीएम सौम्य अग्रवाल ने आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर जिले के 150 पोखरों और तालाबों की खुदाई और सुंदरीकरण का काम शुरू कर दिया, जहां डीएम सौम्य अग्रवाल खुद नरियाव गांव में जोगिया पोखरारे की खुदाई और सुंदरीकरण का भूमि पूजन करने पहुंचे। साथ ही डीएम ने कहा कि इस योजना से जल संरक्षण का लक्ष्य पूरा होगा, मनरेगा मजदूरों को काम का वेतन भी मिलेगा। मनरेगा के अंतर्गत हम लोगों ने एक ही दिन में 150 तालाबों की खुदाई प्रारंभ करी है। इससे जो हम लोग के मनरेगा मजदूर हैं उनको मनरेगा के अंतर्गत उनको वेतन मिल जाएगा और साथ के साथ जो है जल संचयन का जो हमारा जो लक्ष्य है वो भी पूरा। कितने दिनों में पूरा करने को? वो तालाब के साइज़ पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कितनी खुदाई होगी, पर कार्य जो है 150 तालाबों को एक साथ प्रारंभ किया है। पीलीभीत की सदर विधानसभा सीट से विधायक और सरकार में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार उपाधि कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी सरकार द्वारा चुनाव के समय जारी किए गए संकल्प पत्र की मंशा के अनुरूप उपाधि कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। विधानसभा के करीब 12 कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और करीब 1746 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं। वहीं स्मार्टफोन पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। हम
भारतीय जनता पार्टी घोषणा नहीं, भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जारी करती है और संकल्प पत्र का हमारा ये स्मार्टफोन का एक उल्लेख था, शुरू कर दिया और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो संकल्प लेती है, संकल्प को सर अभी आप कह रहे थे कि 70% रहने का भुगतान हो गया है, अब प्रति क्या क्या उपलब्धि है आपके कुछ समझे? अभी एक महीना नहीं हुआ। सबसे पहले मैं योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि स्मार्टफोन आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। बिना स्मार्टफोन के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो बच्चे गांव में हैं वो कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई थी, ना ही कॉलेज खुले थे ना ही स्कूल खुले थे, तो शहर के बच्चों ने तो मोबाइल का उपयोग किया लेकिन गाँव के बच्चे इससे वंचित रह गए थे। तो गाँव के बच्चों को इससे बहुत ही सुविधा मिलेगी, हालांकि कोरोना काल में गांव के बच्चों को इससे सुविधा से वंचित रह गए थे लेकिन अब मोबाइल मिलने पर वह सब भी ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठा सकेंगे। ऋषिकेश में भगवान बद्रीनाथ के तेल कलश गाड़ू घड़ा के दर्शनों के लिए चेला क्षेत्राम धर्मशाला में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मेयर अनिता ममगई सहित शहर के तमाम जनप्रतिनिधि और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने तेल कलश के दर्शन कर भगवान बद्रीनारायण से चार धाम यात्रा सकुशल चलाने की प्रार्थना की। चेला क्षेत्राम धर्मशाला में श्रद्धालुओं के दर्शनों के बाद तेल कलश यात्रा लक्ष्मण झूला होते हुए बद्रीनाथ की ओर अपने यात्रा मार्ग पर प्रस्थान कर गई। इस दौरान मुनि की रेती तपोवन और अन्य स्थानों पर तेल कलश यात्रा का श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। जय बद्री विशाल। पौराणिक परंपरा और मान्यताओं के अनुसार यात्रा काल 2022 के लिए जो बसंत पंचमी के दिन राजदरबार में जो ये शुभ मुहूर्त निकलता है वो कल 22 अप्रैल 2022 का राजमहल में महारानी साहिबा और अन्य सुहागनों के द्वारा वो तिलों के तेल को पिरोया गया और उसी कड़ी में आज यहाँ पे श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ऋषिकेश में आज दर्शनार्थ जो है ये गाड़ू घड़ा तेल कलश जो है सभी नारायण भक्तों के लिए दर्शनार्थ जो है यहाँ पे स्थापित किया गया है और अब कुछ ही पलों में ये गाड़ू घड़ा तेल कलश यहाँ से चलकर और पूरे ऋषिकेश में अपने नारायण भक्तों को दर्शन आशीर्वाद देते हुए और यहाँ से जो भी पड़ाव पड़ते हैं लक्ष्मण झूला, मुनि की रेती, देवप्रयाग और उससे बीच में जो भी छोटे बड़े वो आते हैं और रात्रि विश्राम जो है आज बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के श्रीनगर में आज गाड़ू घड़ा का रात्रि प्रवास होगा। समाज जो बद्रीनाथ में पुजारी है वो डिमरी समाज के द्वारा पूजा होती है, एक रावल जी रहते हैं और सब लोग डिमरी रहते हैं सभी मंदिरों में। और ये जो यहाँ पर आज गाड़ू घड़ी का कार्यक्रम है ये कल राजमहल में रानी जी के द्वारा और सभी सुहागनों के द्वारा तिल का तेल निकाला जाता है जिससे कि भगवान बद्रीनाथ जी का श्रृंगार होता है और ये आज गाड़ू घड़ी कल वहाँ से नरेंद्र नगर से चले और आज यहाँ पर दर्शनों के लिए रखी गई है। अब ये गाड़ू घड़ी यहाँ से प्रस्थान करेगी भोग लग के और ये श्रीनगर रुकेगी आज रात को और कल सुबह वहाँ से और हमारे गांव डिम्मर के लिए प्रस्थान करेगी। 5 तारीख को वहाँ से जोशीमठ के लिए निकलेगी और 6 और 7 को 7 तारीख को बद्रीनाथ पहुँचेगी गाड़ू घड़ी से। वाराणसी के विधानसभा शिवपुर के ग्राम सभा जौलहूपुर में आग लगने से पशुओं के लिए रखा चारा जलकर राख हो गया। दरअसल किसानों अपने जानवरों के लिए चारा इकट्ठा करके रखा था। बता दें कि करीब 1000 क्विंटल पशु चारा जलकर राख हो गया है जिससे किसान मायूस दिखाई दे रहे हैं। अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरौला के मोहल्ला सैफी नगर निवासी एक महिला और उसके बेटे को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर दूसरे पक्ष से पुलिस फैसले का दबाव बना रही है। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरे बच्चों को झूठे केस में फंसाना चाहते हैं, मेरे भतीजे को और मेरे लड़के को दीपक को, मेरे बालकों को भी धमकी दी है ना, और जब तुम्हारे चाचा आएंगे जब बताएंगे तुम्हें तीनों छुटके आ जाएंगे, वो पहले से कतली है उधर
हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं वो, मेरे बच्चे तीनों डरते हैं। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार बस और पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई, जहां एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें दो की हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लखीमपुर खीरी में दो शिक्षिकाओं के तबादले का ये पूरा मामला है, जहां शिकायत पर बीएसए डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने शिक्षिका गोल्डी कटियार का तबादला, रमिया बेहे डी ब्लॉक और मनोरमा मिश्रा का तबादला पलिया ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय में कर दिया है। ये खबर पता चलते ही गोल्डी और मनोरमा ने अपना तबादला रुकवाने के लिए छात्रों को मोहरा बनाने की साजिश रच डाली। समन्वय बोर्ड की बैठक में जोरदार हंगामा हो गया, जहां सभासदों ने नगर पालिका प्रशासक एडीएम के खिलाफ नारेबाजी की है। दरअसल दो प्रस्ताव होने के बाद प्रशासक ने नाखुश सभासदों से बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर दिया। एडीएम हाय हाय के नारे लगाते हुए बैठक से सभासद बाहर निकल गए। ये पूरा मामला संभल नगर पालिका परिषद का बताया जा रहा है। फतेहपुर में विकास भवन में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने बैठक की, जहां जिले के विकास कार्यों के बारे में अधिकारियों से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में जानकारी ली गई, साथ ही ग्रामीण इलाकों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। किन्नर कल्याण बोर्ड की वाइस प्रेसिडेंट जी का आगमन हुआ है, उसके तहत हम लोगों द्वारा यहाँ पर जनपद में जनपद स्तरीय समिति की प्रथम बैठक, जो प्रत्येक माह एक बैठक होनी चाहिए, हम लोग सभी को इस प्रकार का निर्देश है। ट्रांसजेंडर्स की फैसिलिटीज़ को, उनके स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा एवं पुलिस से अपेक्षित सहयोग है, किस प्रकार से अपेक्षित सहयोग किया जाना, ट्रांसजेंडर्स की फैसिलिटीज़ को बेटर बनाने के लिए, उसके विषय में यहाँ पर यह राम राज्य है, ना कि सफाई में महोत्सव हो रही है, यहाँ राम महोत्सव मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में जिस राज्य को दूसरे राज्य के लोग हीन नज़र से देखते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी के कार्य योजना से उत्तर प्रदेश के युवा जब किसी और राज्य में जाते थे, उनको भैया के और हीन नज़र से दूसरे राज्य देखते थे। चमोली में करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर लोकपाल हिमकुट साहिब में अभी भी 8 से 10 फीट बर्फ जमी हुई है, हालांकि अभी ये कपाट 22 मई को खुलने हैं। बावजूद इसके गोविंदधाम से ऊपर आस्था पथ पर यात्रियों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए भारतीय सेना के जवानों की टीम युद्ध स्तर पर बर्फ हटाने की कोशिशों में जुटी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज ऑल इंडिया के साथ। At GLA University, we make